घर आई होप यही घर हो या किसी और के घर पे बॉल मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवे What the hell? तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? Well, मुझे एक किस? What? Obviously, तुम्हारे साथ सुबह सुबह प्रैक्टिस करने आई हूँ, शंभो। सुबह के 6 बज रहे जन्नत। Just in case you forgot, I'm not your coach anymore. मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैक्टिस नहीं करने वाला। I knew it. तुम ना ये बस गुस्सा होने का नाटक करते हो। तजुर्बा तो ये है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेल लेती हूँ और तुम्हें डर है कहीं मैं तुम्हें हराना चाहूँ। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कि इतना महान कोच स्टूडेंट के सामने हार गया। बाय। क्या सोच रही हो तुम? मेरा एक ड्रीम है। House. Like a very big house. और फिर मैं वहाँ उन सारे बच्चों को लेके जाना चाहती हूँ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। And I wanna give them everything, okay? Toys, soft toys, dolls. Oh wait, not just toys, huh? Sports की सारी आइटम्स हो वहाँ पे। And of course, football. Football is like everywhere. अच्छा, football पे इतनी मेहरबानी क्यों? Come on, football. It's just not a game. It's an attitude to win, जो हमें सिखाता है। सिर्फ किक से ही नहीं, बल्कि दिल से भी खेलना चाहिए, right? Anyway, एक बात बताओ, तुम कितने बच्चे पैदा करना चाहती हो? Shut up! मैं often बच्चों की बात कर रही हूँ, और फिर मैं वहाँ उन्हें पढ़ाऊँगी भी, कुछ knowledge नहीं दूँगी, मैं उन्हें life की beauty को appreciate करना सिखाऊँगी। It will be like a Jannat home for kids. बट मेरा ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। मॉम मेरी बातों को कभी सीरियसली लेती ही नहीं। वो चाहती कि मैं टॉप की लॉयर बनूं, उनके फर्म को आगे बढ़ाऊं। पढ़ाई के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, शी इज माय मॉम आफ्टर ऑल। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे लिए और अकेले ही मुझे रेस किया, लेकिन अब कभी कभी गुस्सा आता है। जो चीजें मुझे पसंद है वो उन सारी चीजों को बस इग्नोर कर लेती है। देखो, प्लीज डोंट से लाइक दैट। एटलीस्ट यू हैव अ मॉम जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है। मुझे तो मेरे पेरेंट्स की शक्ल भी याद नहीं है। 3 साल का था जब एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। काश मेरे पास उस टाइम जन्नत होती। आई मीन जन्नत होम, तुम्हारा ड्रीम। तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा, जन्नत होम। तो क्या हुआ? हाँ तो शायद आप भूल रहे कि माय मॉम इज अ वेरी बिग लॉयर। बेबी, शायद आप ये भूल रही हो कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा फुटबॉलर है और ओपोनेंट की नजर से बस्केटबॉल करना अच्छे से आता है। या राइट,
और हमारे चैंपियन फुटबॉल ये भूल गए कि चैंपियनशिप की मैच जस्ट अ वीक अवे, और उन्होंने हमारे प्रैक्टिस के 2 घंटे बढ़ा दिए और मेरा रिपोर्टिंग टाइम हो गया 6 in the morning, और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो वो मुझसे एक्स्ट्रा लैप्स मरवाएंगे। वो तो मैं मरवाऊंगा। कम ऑन यार। ठीक तुम जाओ, तुम्हें मैच ही ज्यादा टेंशन है ना, यू लीव गो। ओह सो फनी, यू नो दैट तुम कितने बड़े ड्रामा क्वीन हो, तुम्हें पता है। आई लव इट। ओके नाउ बाय। हां अरे बेबी किस तो देती जाओ प्लीज। बाय। मॉम आप सोए नहीं? वो मैं एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर रही थी। क्या नाम है उस फ्रेंड का? नेविल डिसूजा। कौन सी क्लास में पढ़ता है? ओ नहीं, वो तो तुम्हारा फुटबॉल कोच है ना, जिसे कुछ 3 साल पहले ड्रग्स के चक्कर में टीम से निकाल दिया गया था। ग्रेट कंपनी जन्नत। हाँ ग्रेट कंपनी। इनफ मॉम, जो हुआ उसकी गलती नहीं थी, उसको सिर्फ प्रेम किया गया था। इनफैक्ट उसकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो रिच नहीं है। अगर होता ना तो आप ही के जैसा कोई लॉयर हायर कर लेता, जिनको ये डिफरेंशिएट करना नहीं आता कि इनोसेंट कौन है और गिल्टी कौन। कम से कम आपने आपको इनोसेंट प्रूव कर लेता। बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। डोंट वॉक आउट ऑन मी लाइक दैट जन्नत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जन्नत लिसन टू मी बेबी, आई डिडंट वांट टू हर्ट यू बेटा। शायद तुम सही कह रही हो, मे बी ही इज रियली अ वेरी नाइस गाय, शायद तुम उसे पसंद भी करती हो। यू थिंक यू लव हिम? आई नो दैट फीलिंग जन्नत, ट्रू लव। सब कुछ खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि हंसते हंसते जिंदगी कट जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आई वॉज इन लव टू, मैडली इन लव विथ योर फादर। अपना घर करियर सब उस इंसान के लिए छोड़ दिया मैं, और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। You know, कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। But I didn't give up. क्योंकि तुम मेरे साथ थी, मेरी बेटी, जिसे मैं हमेशा खुश रखना चाहती थी। जन्नत, I know it's great to be in love. लेकिन ये ड्रीम्स कब टूट जाती पता भी नहीं चलता। यार एक प्रॉमिस करो जन्नत, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। प्रॉमिस मॉम। चलो गो टू योर रूम एंड स्लीप। और लॉ स्कूल ऑफ सिंगापुर से इंटरव्यू लेटर आया है, तुम्हारे बेड पे रखा हुआ। यार मैं सच में इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई सिंगापुर। माय गॉड थैंक यू मॉम। बाय। पर्सनल इंटरव्यू और जुलाई। यार जन्नत मैचेस प्रीपोन हो गए अब 3rd July से, सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। नॉट इवन रेडी है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। तुम अकेले नहीं हो। Whether we can do this, I promise. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तूने अगर इस बार डिस कर दिया ना तो हम पूरी टीम हार जाएंगे, और अगर ये टीम हार गई ना
तो इस टीम को इस बार बंद ही कर देंगे। जो नेविल सर है ना, उनको कहीं जॉब नहीं मिलने वाला, यू नो दैट। सी आई नो ऑल ऑफ दैट, ओके। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। भड़कने से पहले मेरी बात तो सुन कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हमें लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वाकई होगा? Who knows कि कल क्या होगा, कोई नहीं जानता, राइट? It's a destiny, okay? सुन, तुझे जो सही लगे तो वो कर, ओके? अगर तुझे सिंगापुर जाना है देन गो, ठीक है? चल स्माइल कर। डिस्ट नहीं कर सकती यार, जल्दी आपसे फाइंड आउट हो गया कि मेरे सिंगापुर के इंटरव्यू को भी 3 जुलाई को ही शेड्यूल हो रहा है। तुम मॉम का दिल भी नहीं तोड़ सकती। माँ का दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन मेरा दिल तोड़ सकती हो ना? सिंगापुर का इंटरव्यू नहीं मिस कर सकती, लेकिन मैच मिस कर सकती हो। अरे नहीं नेविल, तुम मेरी बातों को गलत समझ रहे हो ऐसा। हाँ हाँ, तुम्हें सिंगापुर जाके तो बिग लॉयर बनना है ना, खूब सारे पैसे कमाने, यही बात है ना? Well, that's not the point. तुम मेरी बात सुनो। क्या सुनूं तुम्हारी बात? ये मैच खेल के तुम्हें क्या फायदा होगा? फुटबॉल खेलना तुम्हारा पैशन है ना? But who cares about passion, honey? When it's just about money. आज मेरे मेरी कोई भी इज्जत पाने का आखिरी मौका है। लेकिन तुम्हें क्या? तुम तो बिग शॉट लॉयर अंजना मेहरा की बेटी हो ना? मैं हूँ ही क्या तुम्हारे सामने? मेरी औकात ही क्या है? I'm just an orphan. मैं फुटबॉलर भी नहीं बन पाया। Please, don't say that. Love you too, Jannat. लेकिन ये मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है, क्योंकि तुम जैसी ओवर एम्बिशियस लड़की खुद के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती है। और अगर तुम मुझे सिंपैथी दिखाने के लिए रुकना चाहती हो ना, then please don't do that. Leave, just leave. मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, याद रख। तीन बार उसे फोन किया, मैसेजेस, बट नो रिस्पॉन्स। उसे पता है कि मैं आज रात को जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट है, तो क्यों आएगा? अगर वो आ गया तो रुकेगी? ऑब्वियसली हाँ, वो नहीं आएगा। फैक्ट इज आई नो हिम टू वेल। बेटा कम ऑन, ड्राइवर वेट कर रहा है। क्या हुआ जना? सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, यू विल बी हैप्पी। अब पता नहीं कितने महीनों बाद मिलेंगे। सारे इंस्ट्रक्शंस याद है ना? यू हैव टू वीडियो चैट विद मी एवरी डे, ओके? हाय, अच्छा मैच कैसा था? हम जीत गए यार, वी वॉन। वाओ, दैट्स अमेजिंग। कैसे? आई मीन तू तो काफी नर्वस थी ना? हाँ यार, बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सामने वाली टीम ने आकर ना एंड ऑफ द टाइम में आके फाउल कर दिया। वाओ, दैट्स कूल। रुक, मैं उसे फोन करती हूँ। नो पॉइंट जन्नत, उसने नंबर चेंज कर दिया और नया नंबर किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, बाय, टेक केयर। हाय मॉम। अच्छा लिसन, तुम्हें पता है क्या हुआ? टेनिसन एंड पार्टनर्स जो यहाँ की सबसे बड़ी लॉ फर्म है, मुझे वहाँ से फोन आया था। एंड गेस व्हाट, they offered me a job. Yes mom, I got the job. Isn't that cool? Congratulations. Thank you so much mom. Yeah. Okay. Bye. गलती कर दी मैंने ये पार्टी रखकर। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने कहा था ना कि उस पीटर से दूर रहना। He is hitting on you. Well, we were just chatting. Oh really? और हाँ, आई डोंट केयर तुम क्या कर रही हो क्या नहीं,
द पॉइंट इज अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो मिसेस निखिल अहूजा सो बिहेव लाइक वन तुम इंडियन वैल्यूज का बड़ा गाना गाती रहती हो ना सी दिस वन फिली इंडियन जिसने अपना घर बार सब बेच दिया जस्ट टू ओपन अ फ्रीकिंग ऑर्फनेज आई मीन हू डज दैट खेलना पड़ता है वाओ बड़ा फिलॉसफी मिस्टर नेविल डिसूजा तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैं जिनके साथ अभी खड़ी हूँ वो है इस ऑर्फनेज के ओनर मिस्टर नेविल डिसूजा सो जस्ट अ क्वेश्चन प्रफुल आई मीन सच अ ब्यूटीफुल ऑर्फनेज इसके पीछे एक्चुअली क्या रीजन है क्या आप खुद भी अनाथ है माँ बाप के बिना रहना कितना मुश्किल अच्छी तरह से जानता लेकिन मेरा मानना यह है असली ऑर्फन वो होता है जिसके सारे सपने मर चुके लेकिन मैं तो बहुत लकी हूँ कि आज भी किसी अपने का सपना जी रहा तो आप ही बताइए ना कि मैं ऑर्फन कैसे हूं आई वांट टू बाय अ हाउस लाइक अ वेरी बिग हाउस जन्नत होम फॉर किड्स तो हमारा सपना ये जरूर पूरा होगा जन्नत होम मॉम इस दिन जो पाइप तुम बाहर देखी थी वो उसी की थी वो आया था उस रात मैंने उसे जाने को कहा मैंने सोचा तुम्हारा करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट Please.